हेलो फ्रेंड, टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस मेटा सेंटर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन बायोंसी। ओके, सो व्हाट इज़ बायोंसी, वेयर इट एक्ट, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखा है। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ मेटा सेंटर। सो व्हाट इज़ मेटा सेंटर? मेटा सेंटर इज़ द पॉइंट एट विच बॉडी स्टार्ट ऑसिलेशन व्हेन बॉडी इज टिल्टेड बाय सम एंगल। What is meta center? The point about which body start oscillation when body is tilted by some angle. Suppose there is one body. If you tilt this body like this, then this body will start oscillation. मतलब ऐसे ऐसे इस direction में आएगी, फिर इस direction में आएगा। उसका जो oscillation होता है उस oscillation कहते हैं meta center। ओके, जिस point के वो oscillate कर रही है उस point को कहते हैं meta center। ओके, और मेटा सेंटर को हम बोलेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड मेटा सेंट्रिक हाइट। व्हाट इज मेटा सेंटर? द पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑसिलेटिंग व्हेन बॉडी इज टिल्टेड बाय सम एंगल। अगर बॉडी को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, जो पानी के ऊपर फ्लोट हो रही वो बॉडी, अगर उसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो वो ऑसिलेट होने लगती है अबाउट अ पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड वो ऑसिलेट होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे मेटा सेंटर। और मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे मेटा सेंट्रिक हाइट। ओके, ये ऑसिलेशन क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर बॉडी स्ट्रेट है, हमने इसको टिल्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर सारा अराउंड रहेगा जी और यहाँ पर रहेगा एम। या ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहाँ पर बॉडी का पूरा वेट एक्ट होता है। अब वेट नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और सॉरी, बी है, एम नहीं, बी नीचे का पॉइंट है। सेंटर ऑफ बायंसी मतलब जहाँ पर बायंसी फोर्स एक्ट होता है। और आपको मालूम है बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब बी के थ्रू वो ऊपर एक्ट होगा। ओके, वेट जी के थ्रू नीचे एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बायंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। वो एक ही लाइन में होने की वजह से ये बॉडी स्ट्रेट रहती है। ओके, अब जब वो टिल्ट होगी, जब वो बॉडी ऐसे टिल्ट होगी तो क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पर आ गया, मतलब बायंसी फोर्स ऐसे एक्ट होगा और वेट यहाँ पर एक्ट होगा। तो दोनों अब एक लाइन में नहीं है, तो दोनों कपल फॉर्म करते, तो ये बॉडी यहाँ पर टॉर्क मिलेगा, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर से सेंटर ऑफ बैलेंस इधर शिफ्ट होगा, ये बॉडी फिर से इधर आएंगी, तो इसका ऑसिलेशन चालू रहता है। क्यों? क्योंकि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बैलेंस एक ही लाइन में नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, तो वो टॉर्क या कपल फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉडी इस साइड में हम टिल कर रहे हैं तो वो इस साइड में मूव होगी। क्लियर? ओके, तो वो कितना आता है हम देखेंगे। अब जो भी बॉडी हमने टिल की है, यहाँ पर हम एक छोटी स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ये डायग्राम में थोड़ी बड़ी निकालता हूँ। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप कंसीडर की, ये जो मैंने अभी लाइन निकाली वो स्ट्रिप है, वो इस सेंट्रल एक्सिस के एक्स डिस्टेंस अपार्ट है। ओके, और ये जो छोटी स्ट्रिप है उसकी थिकनेस डी एक्स है। ओके, और उसकी जो हाइट है, इस स्ट्रिप की जो हाइट है वो एच है, समझो। ओके, हमने एक छोटी स्ट्रिप कंसीडर की जो सेंटर से x डिस्टेंस अपार्ट है, जिसका थिकनेस dx है और हाइट h है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपको दूसरी एक चीज़ बताता हूँ। जब ये बॉडी स्ट्रेट थी तो ऐसी थी, जब अब टिल्ट हो गई तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इतने ज़्यादा शेप उस बॉडी का पानी के अंदर इमर्स हो गया। मतलब ये एक्चुअली आपके बायंस फोर्स में
ऐड हो जाएगा, जितना जो वेट है उस वाटर का वो बायोन्स फोर्स में ऐड हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली जो पहले ये जो इधर का ट्रायंगल दिख रहे हैं ये पहले पानी के अंदर था बाहर आ गया, मतलब दिस इज लॉस इन बायोन्सी फोर्स। ओके, दिस इज एडिशन इन बायोन्सी फोर्स, दिस इज लॉस इन बायोन्सी फोर्स। तो वो हम निकाल रहे हैं, तो वो कितना ऐड हुआ वो हमें निकालना है। तो हमने स्ट्रिप को कंसिडर किया जिसका हाइट h था, जिसका थिकनेस dx था, और जो x डिस्टेंस अपार्ट थी इस एक्सिस से। ओके, ये थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, अब आप देख सकते हो। ओके, ये ट्रायंगल को मैं फिर से निकालता हूँ, वो स्ट्रिप, ये थीटा, ये हो गया x, और ये अपनी वो स्ट्रिप जिसकी हाइट h है। इस ट्रायंगल को मैंने बड़ा किया यहाँ पर, क्लियर? सॉरी, इस ट्रायंगल को नहीं, ये वाले ट्रायंगल को। क्लियर? और निकालो तो आपको समझ में आएगा, ये हो गया h, ये हो गया x, और ये हो गया थीटा। समझ में आ गया? अब देखो एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो ये जो स्ट्रिप्ट, ये जो स्ट्रिप है ये वाली, उसका एरिया dx इंटू हाइट, क्योंकि उसकी थिकनेस dx है और हाइट h है। तो हाइट हाइट अब हम निकालेंगे कितनी आती है, ये हाइट, ये x और ये थीटा। इसका अगर हमने साइन लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू एच, ये राइट एंगल है, एच अपॉन एक्स। तो एक्स एच कितना आएगा, एक्स साइन थीटा, लेकिन थीटा बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर आएगी, तो हम इसको एक्स इंटू थीटा लिख सकते हैं। ओके, ये जो है, तो हाइट को हम क्या लिखेंगे, एक्स थीटा। तो अब उसका एरिया क्या होगा, एच इंटू डी एक्स, एच की वैल्यू एक्स थीटा इंटू डी एक्स, तो उसका एरिया हुआ एक्स थीटा इंटू डी एक्स। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अभी वॉल्यूम का बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो अपने डायग्राम बिफोर टिल्ट, इसका हम आप टॉप व्यू निकालेंगे इधर, ये इसका टॉप व्यू है, मतलब ये ऐसे नीचे पीछे जाएंगे ना, तो ये वाला व्यू ये है। तो की लेंथ एल है, मतलब जो भी स्ट्रिप हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर वो ऐसे रहेंगी, इधर की स्ट्रिप ये वाली, इधर की स्ट्रिप ये वाली, ये डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स और इसका थिकनेस डी एक्स। समझ में आ गया? मतलब ये जो स्ट्रिप है ये इस डायरेक्शन में एल है, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, डी एक्स इंटू हाइट, और पीछे वो एल है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, डी एक्स इंटू एल इंटू एच। तो उसका वॉल्यूम एक्स थीटा इंटू डी एक्स इंटू एल। अब उसका वेट कितना आएगा स्ट्रिप का, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी और वॉल्यूम की यहाँ पर एज इट इज पुट कर दिया, मतलब उस स्ट्रिप का वेट है इतना, और उसके वेट जितना ही पानी का वेट वो डिस्प्लेस करने वाली है। ओके, अब मोमेंट ऑफ कपल, फिर से इस डायग्राम पर आएंगे हम, यहाँ पर बायंसी फोर्स ऐड हो रहा है। ओके, मतलब ये जो लाइन निकाली मैंने उस स्ट्रिप, ये बायंसी फोर्स ऐड हो रहा, और यहाँ पर बायंसी फोर्स कम हो रहा, तो उसको मैं नीचे के डायरेक्शन में देखा, तो लॉस इन बायंसी फोर्स, ये अपना डिस्टेंस है, सेंटर लाइन है, यहाँ से ये एक्स है और ये स्ट्रिप भी एक्स है, ऐसी ही स्ट्रिप हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, तो वो भी एक्स डिस्टेंस पे, मतलब दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2x। तो उसका कपल कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की उसका वेट जितना ही उसका बायंसी फोर्स रहेगा, उसका वेट हमने अभी अभी निकाला, इंटू डिस्टेंस, उसके बीच में डिस्टेंस 2x था, तो उसका कपल आया 2 रो जी एल थीटा इंटू एक्स इंटू डी एक्स।
ओके, ये 2x मिला गया। अब इस पूरे कपल का मूवमेंट लिया तो हमें मिला 2gL थीटा, मतलब पूरे हमने एक स्ट्रिप का ना लेते हुए पूरे ट्रायंगल का लिया, तो मतलब ट्रायंगल बोले तो ये पूरे इसका जो भी नया पार्ट बाहर या अंदर आया इसका, तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हम उसकी वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्लियर? नाउ मोमेंट ऑफ बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स, अब ये जो कपल फॉर्म हो रहा है, ये जो कपल फॉर्म होके इसको ऑसिलेट कर रहे वो इक्विवेलेंट रहेगा ये जो बायंसी फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कपल क्रिएट कर रहे उस, ये दोनों सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एडिशन इन बायंसी फोर्स एंड लॉस इन बायंसी फोर्स, जो कपल फॉर्म हो रहा है वो इक्विवेलेंट रहेगा जो नया बायंसी फोर्स की लोकेशन है उसके कपल से। ओके, तो पहले जी यहाँ पर था, बी यहाँ पर था, और नया जो सेंटर ऑफ बायंसी वो बी वन है, तो उसका हम कपल लेंगे। यहाँ पर देखो यफ बी टू बी बी डैश, मतलब बायंसी फोर्स शिफ्ट हुआ है बी से लेकर बी बी वन, तो यहाँ पर अब नया बायंसी फोर्स एक्ट करेगा, तो उसकी वजह से इस डायरेक्ट कपल फॉर्म हो रहा है, मोमेंट मोमेंट फॉर्म हो रहा है। मोमेंट मतलब क्या रहता है, अगर कोई फोर्स एक्स डिस्टेंस पे ऊपर अप्लाई हो रहा है तो इसका मोमेंट क्या रहेगा, दिस फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, अब देखो बायंसी फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर और कितने डिस्टेंस अपार्ट, बी बी वन, तो इसका मोमेंट क्या आएगा, बायंसी फोर्स इनटू डिस्टेंस, बायंसी फोर्स से एफ बी, डिस्टेंस से बी बी वन। अब बी बी वन को अगर आप ज्योमेट्री को ठीक से देखेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये ऊपर का एंगल भी थीटा था, मतलब ये आएगा ऐसे, ये हो गया बी वन, ये हो गया बी, ये हो गया एम, ये हो गया थीटा। अब हमें निकालना है बी बी वन, तो बी बी वन को हम लिख सकते हैं, नहीं ये उल्टा हो गया, राइट एंगल ये आया, हमें ये निकालना है, तो हम साइन लेंगे, साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड बी बी वन अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है बी एम, ये तो बी बी वन को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पर लिखा है बी एम इंटू थीटा, थीटा बहुत स्मॉल होने की वजह से साइन थीटा और थीटा एक ही रहेंगे, तो बायंसी फोर्स कितना रहेगा, जितना उस बॉडी का वेट है क्योंकि वो फ्लोट हो रही है, तो डब्ल्यू इंटू बी एम इंटू थीटा। अब ये दोनों एक, ये जितना मोमेंट क्रिएट करेगा उतना ही कपल ये क्रिएट करेगा, वो जो लॉस इन और गेन इन बायंसी फोर्स है वो, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो W इंटू बी एम इंटू थीटा, मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन, रो जी रो टू रो जी थीटा बाहर, एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एल डी एक्स क्या है, देखो अभी वो जो बॉडी थी हमारी जो ऐसी थी, उसका अगर टॉप पे निकाला हमने, किधर निकालो, इसका टॉप व्यू हमने जो स्ट्रिप कंसीडर की थी वो ये है और एक इधर से, तो इस स्ट्रिप की थिकनेस क्या है, डी एक्स। ओके, और टॉप व्यू में उसकी हमें लेंथ दिख रही है एल, तो एल इंटू डी एक्स मतलब उस स्ट्रिप की टॉप व्यू में, सॉरी उस स्ट्रिप का टॉप व्यू का एरिया। समझ में आ गया, ये थोड़ा अलग निकालो, अब मैं उसका सिर्फ टॉप व्यू निकाल दूँ, ये हो गया एल और ये हो गई वो स्ट्रिप जो हमने कंसीडर की है जिसका थिकनेस है डी एक्स, तो डी एक्स इंटू एल, ये डी एक्स इंटू एल, ये हो गई उस स्ट्रिप की टॉप व्यू में दिखने वाला एरिया। ओके, ऐसे यहाँ पर दो स्ट्रिप है, ये एक स्ट्रिप है डी एक्स
जो लॉस इन बायोन्सी फोर्स में हो, तो ये एल इंटू डी एक्स को हमने लिखा एरिया जो टॉप व्यू में दिखने वाला है इंटू एक्स स्क्वेयर, तो ये टू दो स्ट्रिप के लिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी ए क्या होगा, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो एरिया हम टॉप व्यू का ले रहे हैं, मतलब सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आएगा आई। ओके, या इसको मैं और आपको ये करता हूँ, इसका ये टॉप व्यू है, वो स्ट्रिप ये, और यहाँ पर एक एक्सिस। तो हम इस स्ट्रिप का डिस्टेंस अबाउट दिस एक्सिस मेजर कर रहे हैं, मतलब जो भी इसका सेकंड मोमेंट आ रहा है अबाउट दिस एक्सिस है, मतलब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टॉप व्यू। मतलब टॉप व्यू में आपको जो डायग्राम दिखेगी उस डायग्राम का अबाउट दिस एक्सिस आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, वो हो गया आई। ये बात मत भूलो, आप हाइड्रोस्टेटिक फोर्स में हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा वो अबाउट सरफेस था, या सरफेस को पैरेलल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सिस था। ये यहाँ पर हम आई क्या ले रहे हैं, हम डिस्टेंस ले रहे हैं जो एक्सिस टॉप व्यू में दिख रहा है हमें। तो क्या आई क्या आएगा, टॉप व्यू में जो भी डायग्राम आएगी उसका अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो ये हमें मिला W इंटू बी एम इंटू थीटा रो जी थीटा इंटू आई, इसको हमने आई लिख दिया, तो थीटा थीटा कैंसिल, हमें मिला बी एम इक्वल्स टू रो जी आई W। W मतलब वेट ऑफ स्ट्रिप, तो वेट ऑफ बॉडी, तो रो जी इंटू वॉल्यूम, तो ये रो जी कैंसिल, बी एम क्या आ गया आई अपॉन वी, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब हमें निकलना है जी एम, जी एम मीन्स ये वाला, ये जी एम है, सॉरी 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 सॉरी, ये एम, ये जी और नीचे बी, हमें निकालना है जी एम। तो जी एम क्या आएगा यहाँ पर, बी एम माइनस बी जी, बी एम माइनस बी जी, बी जी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी, और बी एम मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बायंसी और मेटा सेंटर। तो इसको हमने लिखा बी एम माइनस बी जी, बी एम की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की आई अपॉन वॉल्यूम, आई अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। सो मेटासेंट्रिक हाइट कितनी हुई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टॉप व्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस माइनस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी। समझ में आ गया, तो ये हो गया मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला, जी एम क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, तो कल हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल और उसकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। थैंक यू।